कोरोना महामारी के समय जहां पूरा देश लॉकडाउन झेल रहा है, किसानों की फसल कटने के बाद भी मंडियां पूरी तरह से चालू नहीं होने से बिक नहीं पा रही हैं। वहीं सरकार द्वारा जो गेहूं उपार्जन किया जा रहा है उसका पैसा भी किसानों के बैंक खाते में नहीं आया है। उसके बाद भी बैंक ऑफ इंडिया के कुछ शाखाओं के अधिकारियों ने किसानों के खाते में रखे पैसों से जो लोन देने चल रहा था उस पर भी रोक लगा दी है। उक्त आरोप लगाते हुए भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य केशर सिंह पटेल ने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया शाखा भैरवगढ़ ने कई किसानों के खातों में पैसे होने के बाद भी एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड बंद कर दिए, जबकि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के साथ आरबीआई बैंक ने सभी बैंकों एवं प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों को आदेशित कर आगामी आदेश तक सभी कर्ज को यथास्थिति रखते हुए सभी प्रकार की उगाही रोकी गई है। फिर भी अधिकार कार्यों की मनमानी से किसानों के खातों में पैसा होने के बाद भी ऑनलाइन एवं नगद लेन देन को रोककर खाता पलटी करने का दबाव बनाना अनुचित है। किसानों की ये परेशानी आ रही है कि अभी इन्होंने खाता पलटाने के नाम पे क्रेडिट कार्ड का खाता होता है किसानों का, और उसी क्रेडिट कार्ड के खाते से बाकी लेन देन भी चलते हैं, तो किसानों के कई किसानों के पैसे उसमें जमा रहते हैं। कुछ किसान बचत खाते में भी रखते हैं, बचत खाते के को एवं जो क्रेडिट कार्ड का अकाउंट है उसको इन्होंने ब्लॉक कर दिया, और ऑनलाइन जो एटीएम कार्ड वगैरह से जो लेन देन चलता था, ऑनलाइन लेन देन चलता था, वो भी किसानों का और बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर जो कि भैरवगढ़ शाखा के मैनेजर हैं उनके द्वारा और ब्लॉक कर दिया। इसी प्रकार से कई स्थानों पर कई जो बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएँ हैं उसमें ये परेशानी किसानों को आ रही है, और लगातार सूचना आ रही थी। मैं आज वहाँ गया, शनिवार को भी गया था, वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी, और वो मैनेजर साहब का ये कहना था खाता जब भी चालू होगा जब आप इसको खाते को पलटा लिया जाएगा। मेरा ये निवेदन है कि जब गेहूं उपार्जन अभी चालू हुआ है, गेहूं के पैसे आ नहीं रहे हैं, सौदा चिट्ठी के माध्यम से किसानों ने माल बेचना चालू किया है और वो बिक भी नहीं रहा है, बहुत कम मात्रा में बेचा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 महीने के लिए बैंक को निर्देशित किया है आरबीआई बैंक के माध्यम से कि सारे प्रकार का लेन देन चालू रखा जाए और जो वसूली है उसको बंद रखा जाए। वसूली के लिए प्राइवेट जो कंपनियां उनको भी उनने निर्देशित किया है, परंतु ये कुछ हठधर्मिता करने वाले अधिकारियों के कारण ये परेशानी खड़ी हो रही है। वो लगातार बीमारियों को निमंत्रित कर रहे हैं वहाँ पर भीड़ लगा करके, और किसानों को गांव से बुलाना 40-40, 50-50 किलोमीटर से बुला करके और उनको परेशान किया जा रहा है। सरकार को और आरबीआई को बदनाम करने की कुछ अधिकारियों द्वारा साजिश रची जा रही है। मैंने कलेक्टर महोदय को भी व्हाट्सएप के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पत्र शनिवार को ही दिया है, परंतु उसके बाद भी इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा ये निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो किसानों को ये परेशानी आ रही है इसको तुरंत दूर किया जाए, और जो अधिकारी अपनी मनमानी करके और हठधर्मिता से इस प्रकार के किसानों को परेशान, आम जनता को परेशान कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं किसान मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति सदस्य केसर सिंह पटेल आज निवेदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से और जितने भी जिलाधीश हैं प्रदेश के अंदर उन सभी से कि इस प्रकार की जहां भी ये हरकत कर रहे हैं इनको तुरंत, इस कोरोना महामारी के समय भीड़ इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं और कोरोना फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए।